जय श्री महाकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार, माता बहनों और बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं आपका ज्योतिष गुरु पंडित संजय शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम ज्योतिषवाणी में। हमेशा की तरह एक कदम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे आज का पंचांग। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तम तिथि है जो कि रात्रि 1:54 तक रहेगी, फिर नई तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा गोचर में कुंभ राशि में रहेंगे। सद्विशा नक्षत्र रहेगा। आज 24 दिसंबर रविवार है। राहु काल का समय 4:14 से 5:31 तक रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ काम करने से हमको बचना है। मित्रों आगे चलते हैं हम और हमारे आज राशिफल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि राशिफल चंद्रमा के गोचर पर देखा जाता है, लेकिन हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती है वो चंद्रमा के गोचर के अलावा हमारी जो खुद की कुंडली होती है उसमें ग्रहों की युति दृष्टि और ग्रहों की दशा और अंतरदशा पर निर्भर करती है। तो यदि आप सटीक अपनी चीज़ें या अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं और दैनिक राशिफल देखने के लिए आप अपने चंद्र राशि देखें। कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा होगा आपकी राशि रहेगी और उससे अपना राशिफल जान सकते हैं। मित्रों जो ग्रह हैं वो हमेशा चलायमान है, वो अपनी डिग्रियां चेंज करते रहते हैं। वो किस डिग्री पर कौन से नक्षत्र पर होते हैं, उसमें क्या फल देंगे, यही चीज़ें हम आपको निकाल कर लाते हैं। क्योंकि हमें पता है सही समय पर किया गया कार्य हमेशा सही फल देता है और इसी दृष्टि से हम ग्रह की डिग्री और उसमें उनकी गहराई तक जाकर अध्ययन करते हैं और आपके लिए ज़रूरी उपाय खोज कर लाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातक आज दिन बचत भरा रहेगा। आज आप पैसा बचाने के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन आप किसी गलत जगह पैसा बचाने के चक्कर में थोड़ा सा नुकसान उठा सकते हैं। अगर आप जमीन जायदाद और अपने संशोधन वाले जैसे कामों में लगे हुए हैं तो आज थोड़ा सावधानी से निपटाएं। भाई और दोस्तों का साथ आज नहीं मिलेगा, कुछ काम में रुकावटें आज आ सकती है। आज के लिए आपको जो सलाह है, आज आप हनुमान जी के मंदिर में माथा टेक के ही आगे बढ़ें। आज के लिए जो शुभ रंग है वो आज के लिए शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग लाल रहेगा और भाग्य का प्रतिशत 80% आपके साथ रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए आज बिजनेस और नौकरी पेशा में बहुत ही मेहनत करने का दिन रहेगा। आज मेहनत आपको पूरा फल देगी। समय गवाए बिना आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर फोकस करें। नया बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव भी आज आपको मिलेंगे और आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। आज के लिए जो उपाय है, आप 5 सामग्री माता जी के मंदिर में आप चढ़ाएँ तो ये आपको इससे फायदा होगा। आज के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ कलर रहेगा सफ़ेद और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 72। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज दिन भर व्यस्तता से भरा रहेगा। अधिकारी आपकी बातों को बहुत महत्व देंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिलेगी। ग्लैमर से जुड़े लोगों के लिए कम मेहनत में रिजल्ट मिलने के योग हैं। कार्यस्थल पर जरूरी काम पूरा हो सकता है। कोई खास बातचीत भी हो सकती है। आप कई तरह की समस्याओं से निपटने के लिए आज तैयार हैं। आज विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आप हरी चीज़ें ज़्यादा आपके पास हों या कोई हरे कलर का रुमाल या हरा रंग आपके लिए आज शुभ रहेगा। भाग्य का जो प्रतिशत है 80% का भाग्य आपके साथ में, शुभ अंक रहेगा आपका 3। कर्क राशि के जातक आज दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। आज आपको दूसरों की मदद करने से फायदा होगा। जितना आप देंगे उतना आपको बढ़ के मिलेगा। कुछ नए मित्रों से मित्रता होगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। आज शुरू किए गए कामों में थोड़े समय बाद आपको सफलता मिल सकती है। आमदनी बढ़ने के योग आपकी पत्रिका के अंदर, आपके गोचर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आप यानी कर्क राशि में आज शुभ रंग रहेगा आपका हरा और जो भाग्य का प्रतिशत आपका साथ देगा वो 72% का रहेगा। आज के लिए आपको जो उपाय करना है वो शाम के समय करना है। आपको शाम को शिव जी को फूल अर्पित करना है। सिंह राशि के जातकों के लिए लोगों से बहस व अनबन जैसी स्थिति आज बन सकती है। आपका ध्यान भी भटक सकता है। भाइयों बहनों से कोई सहयोग की अपेक्षा आप ना रखें क्योंकि उनसे आपको सहयोग नहीं मिलेगा। आप परेशान आज थोड़ा सा हो सकते हैं। आज सूर्यदेव को जल चढ़ाने के साथ दिन की शुरुआत करें, यही सलाह आपके लिए।
शुभ अंक आज के लिए 11 रहेगा। भाग्य का जो प्रतिशत है वो थोड़ा कम साथ है, बट फिर भी 58% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज थोड़ी माता से मन मुटाव करने का दिन है। खर्चों पर सख्ती से नियंत्रण करना जरूरी है, कुछ फिजूल खर्चे आज आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के कारण आप थोड़ा हर्ट हो सकते हैं, भावनात्मक रूप से परेशान हो सकते हैं, तो अपने इमोशंस के ऊपर आज कंट्रोल करिएगा। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी रहेगा। भाग्य का प्रतिशत आपके साथ रहेगा पूरा 77 और शुभ अंक रहेगा 3। तुला राशि के जातकों के लिए आज दोस्त और प्रेमी के साथ अच्छे संबंधों में सुधार आने की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा है। आज आप वही बात करें जो आपका मन चाहता है, जो आपका दिल चाहता है, आप वही काम करें। आपके लव लाइफ की दृष्टि से भी दिन कुछ बदलने वाले हैं। नए किसी व्यक्ति के आपके जीवन में आज एंट्री होने वाली है। घर परिवार की स्थिति में सुधार लाने के विचारों को भी आज समर्थन मिल सकता है। रोजमर्रा के काम आपके व्यवस्थित पूरे होंगे। शुभ रंग आज के लिए आप जो रहेगा वो सफ़ेद कलर रहेगा। भाग्य का जो प्रतिशत आपका साथ देगा वो करीब 89% का भाग्य आपके साथ में रहेगा। शुभ अंक रहेगा 4। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज थोड़ा सावधानी से दिन गुजारना होगा। गाड़ी बाइक वाहन कोई भी आप चलाते हैं तो उससे थोड़ी क्षति होने के योग बन रहे हैं। सेहत की दृष्टि से आप थोड़ा सा सावधान रहें, आज सेहत आपकी बिगड़ सकती है। दवाई गोली यदि कुछ चल रही है तो आप आज खुद ही लें, समय से लें, अदरवाइज स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। आज आप हड़बड़ी में कोई काम बिगाड़ सकते हैं अपना, दूसरों को लेकर टेंशन में रह सकते हैं। आज आपको थोड़े से कुछ नए दुख भी मिल सकते हैं। आज के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो सलाह है आप आज हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कर लें मात्र, आपके उससे काम सारे बन जाएंगे। आज के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो 1 रहेगा। भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा वो 54% रहेगा। धनु राशि के मेरे मित्र, आज आपके लिए हर व्यक्ति मददगार साबित होगा। कुछ अपनेपन और अच्छी घटनाएं आपके साथ होने के योग हैं, उन पर आपको बारीकी से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कार्य क्षेत्र में भी खुशी मिलेगी, अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज के लिए सलाह है आपको, आप काले वस्त्र का या जो ब्लैक कलर का थोड़ा सा कम यूज करें। शुभ अंक आज के लिए 3 रहेगा। भाग्य का प्रतिशत 70 रहेगा और शुभ रंग आज के लिए ब्लू रहेगा। मकर राशि वाले जातक आज तैयार रहें। लाइफ में नए किसी दोस्त मित्र या ऐसा फ्रेंड मिल सकता है जो आपका एक लंबे समय तक साथ देगा। दांपत्य जीवन में भी आज सुख मिलेगा। शाम को घर से खुशी का वातावरण बनेगा। हेल्थ में पुराने रोगों से आपको थोड़ा राहत मिलेगी और हेल्थ में सुधार होने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा संभल कर चलने, चोट लगने के योग दिखाई दे रहे हैं, बट ओवरऑल दिन आज बहुत बढ़िया रहेगा। आज आप सूर्य को जल देकर दिन की शुरुआत करें, यही सलाह है आपको। आज जो शुभ अंक रहेगा 1 रहेगा। भाग्य का प्रतिशत 70 रहेगा और शुभ कलर लाल रहेगा। कुंभ राशि के जातक, आज दिन बहुत जबरदस्त रहने वाला है। आज चंद्रमा आपके लिए बहुत शुभ साबित होंगे, तनाव से बाहर करेंगे, आपके कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। आज आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, खुद के तो काम बनेंगे, आप दूसरों के भी बना सकते हैं। पुराने मामले सुलझाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। लव मेट्स के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, आज अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए जो सलाह है, गुड़ और चने खाकर घर से निकलें। आज के लिए शुभ अंक जो रहेगा वो 3 रहेगा। भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा वो 70 रहेगा। शुभ कलर आपका गुलाबी रहेगा। मीन राशि के मेरे मित्रों के लिए आज गाड़ी वाहन ये चलाने के लिए थोड़ा सा समय ठीक नहीं है, थोड़ा सावधानी से चलाएं। ज़्यादा लंबे समय पर भी निकल रहे हो तो आज ड्राइवर साथ ले जाएं या आप कुछ और प्लान कर सकते हैं। नौकरी और सेहत के संबंध में आप दूसरे के भरोसे ना रहें, आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। मकान या भूमि संबंधित कामकाज आज पूरे हो सकते हैं और आज का ओवरऑल दिन आपका बढ़िया रहेगा। आज के लिए जो शुभ कलर रहेगा पीला रहेगा। भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा वो 69 रहेगा। शुभ अंक आज के लिए 4 रहेगा और आज के लिए आपको उपाय में सिर्फ इतना करना है कि आज ज़्यादा सावधानी करें। प्रिय साथियों, राशिफल के बाद हम बात करते हैं आपके किसी सवाल के या तो जवाब देते हैं या नई चीज़ सिखाने की, आपको कुंडलियों के योगों के बारे में बताने की। हमारे एक व्यूअर्स हैं, उनकी एक पर्सनल होरोस्कोप हमारे पास आई थी। उन्होंने जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में
जो योग हैं वो प्रॉपर्टी के बन नहीं रहे हैं, वो पैसा आता है वो दूसरी चीज़ों में चले जाता है, वो चाहकर भी प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर पा रहे हैं। टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है लेकिन प्रॉपर्टी का सुख उनको आज तक नहीं मिला, और एक दो प्रॉपर्टी जो बनाने की कोशिश करी थी वो बीच में ही उलझ के रह चुकी है, या उनका जो सपना है प्रॉपर्टी का वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों होता है इसके लिए हमें कुछ चीज़ें जानना होगी। सबसे पहले हमें जानना होगी कि भूस्वामी जो है मंगल देव और चंद्रदेव शनिदेव, इन दोनों की स्थिति हमारी जन्म कुंडली में कैसी है। यदि ये दोनों ग्रह हमारी कुंडली में खराब अवस्था में हैं तो हमें प्रॉपर्टी का सुख नसीब नहीं होने देते हैं, या चौथे भाव से चौथे भाव के साथ में छठे आठवें बारहवें भाव से बहुत सारे ग्रह नक्षत्र उपनक्षत्र में भाव लिए हुए होते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी बनाना संभव नहीं हो पाता, या तो प्रॉपर्टी किसी गलत चीज़ में चली जाएगी या कोई उसमें नुकसान हो जाएगा आपको, या फिर उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप डेवलप हो जाती है जब योग नहीं होता है तो, कि उस प्रॉपर्टी में आप रह नहीं पाते हैं, चमा जाते से आप ज़्यादा बीमार रहने लगेंगे, आपको मजबूरन किसी भी कंडीशन पे घर को बदलना पड़ेगा और आपको फिर से किराए के मकान में जाना पड़ेगा। कुछ फाइनेंशियल स्थिति ऐसी बिगड़ सकती है कि आपको अपनी संपत्ति वापस से बेचना पड़ सकती है, तो ये ग्रहों की खराब स्थिति के कारण होता है। तो अगर ऐसे कुछ ग्रह है तो उसमें आप अपनी पत्रिका के अंदर देख सकते हैं कि आपके सही समय कब आने वाला है, या आपको प्रॉपर्टी के लिए एक्चुअल में कब प्लानिंग करना चाहिए, या पर्टिकुलर कोई ग्रह खराब है तो आप उसका एक सही उचित उपाय करके और प्रॉपर्टी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए कुछ विशेष पूजा भी आप करा सकते हैं जिससे कि आपको अपने घर का सुख मिलेगा। से जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और स्पेशल इवेंट है आपका आज, तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आप जीवन में बहुत ख्याति प्राप्त करें, आप जीवन में जो चाहते हैं वो आपको मिले, बाबा महाकाल ऐसी आप पर कृपा बनाए। इसके साथ ही हम आपको कुछ उपाय ऐसे बताते हैं कि आपके जन्मदिन पर विशेष रूप से यदि आप ये करते हैं तो आपका जीवन और आनंदमय और मंगलमय हो सकता है। आज आप अपनी फैमिली के साथ किसी ऐसे गणेश जी के मंदिर में जाएं जो शहर से हो सकता है थोड़ा दूर हो बट सिद्ध मंदिर हो, वहाँ जाकर कुछ आप समय बिताएं। गणेश जी को पीले फूलों की एक माला अर्पित करें और 5 लड्डुओं का उनको भोग लगाएं। याद रखें 5 लड्डू पूरे हमें गणेश जी के वहाँ पर चढ़ाना है, उसमें से हमें नहीं लेना है, और वहाँ पर सर झुका के आपको आ जाने का है, तो उससे आपके जीवन में 1 साल तक बरकत रहेगी, आपका साल मंगलमय होगा, ज़्यादा अच्छे आप रिजल्ट अपनी लाइफ में पा सकते हैं। एनिवर्सरी जिनकी वो हस्बैंड वाइफ और पूरी फैमिली के साथ जाएं तो और भी अच्छा रहेगा। प्रिय मित्रों, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपका बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद और बहुत स्नेह हमें मिल रहा है। आप ये हमारे साथ बनाए रखिएगा, आप जो सवाल पूछते हैं उनके हम जवाब और उनसे संबंधित चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। हमारी इसी कोशिश में नए नए चीज़ें आप हमें बताएंगे तो हम वो ऐड करते जाएंगे, और आपके जीवन कैसे मधुर हो सकता है, कैसे आप जीवन में ज़्यादा खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, वैसी चीज़ें और वैसे उपाय हम आपको देने की हमारे इस प्रोग्राम में पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे प्रोग्राम देखते रहिएगा और अपने सवाल पूछते रहिएगा। विशेष रूप से आपको यदि कोई समस्या आए तो आप अपनी जन्म पत्रिका हमें दिखा सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिया दिखाई दे रहा है आपको, इस पर आप व्हाट्सएप से हमें डिटेल भेज सकते हैं। हमारा जो नंबर है मैं आप एक बार बता भी देता हूँ आपको, 9522555221, ये हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर कॉल करके या मैसेज के द्वारा अपनी कोई भी समस्या हम तक पहुँचा सकते हो, उसका पूरा आपको समाधान मिलेगा। आपके जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं है, उसका एक्चुअली सही समय पे सही चीज़ पता होना, सही व्यक्ति के पास जाना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप हमारा नंबर नोट करिए और अपनी समस्याओं से जल्द छुटकारा पाइए। मित्रों, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर, बट हमें क्या, हमारे समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए जाना पड़ेगा आज। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय इसी वक्त पर, सिर्फ डिजियाना न्यूज़ पर। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।